तो फ्रेंड्स आज फिर से मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक नई अनबॉक्सिंग की वीडियो। तो आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ Redmi 6A। तो मैं बताऊंगा कैसा ये फोन, क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन, क्या है इसकी प्राइस और कैसा है इसका लुक। तो होप करता हूँ कि आप मेरी वीडियो पूरे एंड तक देखिए और मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरी वीडियो को शेयर कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शान भट्ट और आप देख रहे हैं टेक्निकल शान। सो बिना आपका कीमती समय गवाए लेट स्टार्ट। सो फ्रेंड्स Redmi 6A का बॉक्स आपको देखने में कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो फ्रंट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे टॉप साइड पे स्टिकर लगा हुआ है इंडियस नंबर ब्रांड का और राइट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे MI का लोगो लगा हुआ है। डाउन साइड की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है Redmi 6A। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बैक साइड की। तो इसका डिस्प्ले है 5.45 इंच HD प्लस डिस्प्ले है, हीरो है, A22 क्वाड कोर प्रोसेसर है, 3000 mAh की बैटरी है एंड 13 मेगापिक्सल का इसका रियर कैमरा है। तो मैंने फ्रेंड्स ये 2GB 16GB में परचेस किया था गोल्ड कलर में। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बॉक्स MRP की। तो बॉक्स MRP है 6999। तो फ्रेंड्स ये मैंने 5999 में ऑफलाइन स्टोर से परचेस किया था, तो आपको ऑनलाइन स्टोर पर भी 5999 में ही मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स। तो बॉक्स को खोलने के बाद यहाँ पे आपको एक स्मार्टफोन देखने मिल जाएगा। तो फिलहाल इसको रखता हूँ मैं साइड में क्योंकि ये हमारा रूल है। तो इस बॉक्स के अंदर आपको यूजर मैनुअल देखने मिल जाएगा और वारंटी कार्ड है, तो इसको रखता हूँ साइड में। और चार्जिंग एडेप्टर जो है वो है 5V 1A का इसका चार्जिंग एडेप्टर है और जो कि नॉर्मल चार्जर है। और इसके साथ आपको देखने में मिल जाएगा USB सिंकिंग एंड चार्जिंग केबल। और सबसे मेन बात आती है सिम इजेक्टर टूल जो कि लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो सब चीज़ों को रखते हैं अभी साइड में। तो अब बात करते हैं स्मार्टफोन की। तो फ्रेंड जल्दी से करते हैं इसको बूट। तो फ्रेंड स्मार्टफोन बूट हो चुका है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ सेटिंग्स की तरफ। तो सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आप अबाउट फोन में जाता हो, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि Redmi 6A मॉडल नंबर लिखा हुआ है, एंड्रॉइड वर्जन 8.1.0 जो कि ओरियो है। और आप रैम देख सकते हो जो कि 2GB है और इंटरनल स्टोरेज है 16GB। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ कैमरा की तरफ। तो फ्रेंड्स आप कुछ कैमरा सैंपल्स देख लीजिए। तो मेरी अनबॉक्सिंग की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और आपको क्या अच्छा लगा इस मोबाइल में, क्या बुरा लगा इस स्मार्टफोन में, मुझे ये कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मेरी वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।